शोभा राम, फार्मर द जर्नलिस्ट, कृषि जागरण से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं धान कैसे लगता है हम लोगों के यहाँ। ये छोटी गाड़ी पावर टिलर है, इसी से पूरी जुताई कर देते हैं। पूरी जुताई करने के बाद देखें, ये अभी जुताई नहीं हुआ है, बगल ये खेत जुताई हो चुका है और ये हमारी नर्सरी है जो अभी निकाली गई है। सुबह ये लगेगी। ये नर्सरी पूरी तैयार है। इसको जाली से इसलिए घेरा गया था ताकि छुट्टा जानवर जो है नुकसान न पहुंचाए। आप देख सकते हैं ये नहर का पानी है, हम लोगों को नहर से पानी मिल जाता है, घाघरा पंप कैनाल। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये धान लग चुका है, यहाँ पे रोपाई हो गई। देखिए इस मेड़ पे भी एक हरा साग होता है जिसको यहाँ लोकल भाषा में केरमुआ बोला जाता है, इसकी भी रोपाई कर दी ताकि जो है बारिश में मेड़ पे घास भी ना हो और हमको कुछ ना कुछ मिलता रहे। जैसे दूसरी सब्जी आ जाती उसी के साथ ये भी चला जाएगा, घास भी नहीं होगी और हरा साग भी तैयार होता रहेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से धान लगा हुआ है, यहाँ रोपाई हो चुकी है। वही छोटे वाले पावर टिलर से ही जुताई हुई है जो वहाँ पे खड़ा हुआ है। ये नर्सरी है, बैंगन की नर्सरी जो डाले थे उसी को पॉलीथीन से ढक दिए ऊपर लो टनल लगा करके, ताकि बारिश का सीधा पानी उस पर ना पड़े। और नीचे हरे गन्ने की पत्ती डाल दी ताकि चूहा नुकसान न करने पाए। कृषि जागरण से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।